आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको Pixel Experience Room का रिव्यू बताने वाला हूं। इस वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल बटन दबाएं, उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन आइकॉन क्लिक करें। ऐसे करने से मैं जो भी वीडियो डालूंगा वो इंस्टेंट आपको नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। इसके बाद मेरे सभी वीडियोस को प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि लाइक भी करें, साथ में कमेंट्स ड्रॉप करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऐसा करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आप तक जल्द से जल्द और लेटेस्ट अच्छी वीडियोस प्रोवाइड कर सकूं। इसके अलावा मेरा रिक्वेस्ट एक और है, वो ये कि आप मुझे सभी सोशल प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर ले, जैसे कि टेलीग्राम, रेडिट, ट्विटर, टम्बलर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, XDA, Pinterest। इन सभी जगहों पे भी आपको लेटेस्ट जानकारी मिल जाएगी और यहाँ भी कंटेंट अपडेट होते रहता है। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अबाउट पे ले चलता हूं। आप देख सकते हैं एंड्रॉइड 12 है और मैं इसे टैप करके आपको ईस्टर एग भी शो करवा देता हूं। तो ये रहा हमारा एंड्रॉइड 12 ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद 5 जनवरी 2022 का सिक्योरिटी पैच आपको मिलेगा। कर्नल आपको मिलने वाला है 4.9.295 पिक्सल एक्सपीरियंस का ही कर्नल मिलेगा और ये जो कर्नल है इसे अपडेट किया गया है 5 फरवरी 2022 के डेट पे। और ये जो रोम है अभी फिलहाल ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं मिलेगा क्योंकि ये अनऑफिशियल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रॉपर शो हो रहा है और ये एक लेटेस्ट बिल्ड है, यहाँ पर आपको साफ दिख रहा है 5 फरवरी 2022 का बिल्ड आया है जिसका रिव्यू मैं आपके लिए कर रहा हूं। इसमें जनवरी का आपको सिक्योरिटी पैच मिलता है। चलिए हम अपने रिव्यू पे चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको डार्क वाला वॉलपेपर मिलेगा और डार्क थीम अप्लाई होके मिलेगा जैसे ही आप इसे बूट अप करेंगे। बट मैंने डार्क थीम बंद करके लाइट वॉलपेपर सेट किया है ताकि मेरे फोन का कैमरा अच्छे से फोकस करे और मैं आपको क्लियरिटी के साथ वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। तो आप देख सकते हैं ये इसी वॉलपेपर का डार्क वेरिएंट आपको डिफॉल्ट वॉलपेपर में मिल जाएगा। मैंने लाइट सेट कर दिया है। लेफ्ट साइड पे ऑफ कोर्स इस पे पिक्सल एक्सपीरियंस रोम है तो गूगल पेज ही आपको मिलना है डेफिनेटली, इसमें कोई भी डाउट वाली बात नहीं है। राइट साइड पे आप जितने भी ऐप लोड करते जाएंगे वो आ जाएगा। स्वाइप डाउन करके मैं दिखाऊं तो जैसे आप देख सकते हैं डार्क जो क्यूब टाइल्स है वो बाय डिफॉल्ट इनेबल ही है। उसके बाद आप यहां पर स्क्रॉल करके देख सकते हैं इतने क्यूब टाइल्स आपको बाय डिफॉल्ट मिलेगा। एडिट पे जाएं और अपनी जरूरत के हिसाब से और क्यूब टाइल्स आप ऐड कर लीजिएगा। स्वाइप अप करके दिखाऊं तो पिक्सल एक्सपीरियंस रूम है तो आपको बहुत सारे एप्स मिलने वाले हैं। इसके अलावा मैंने मोस्टली सभी एप्स भी इंस्टॉल करके चेकआउट कर लिया है। अब मैं आपको रिव्यू पे उन सभी के बारे में बता दूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने डायलर पे। डेफिनेटली ये गूगल डायलर है, पिक्सल रूम है तो हमें कॉल रिकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं मिलेगा, ये आप ध्यान रखिए। फिर भी मैं आपको जरूर चेक करवाऊंगा। अब मैं आपको गूगल डायलर से 198 हमारा कस्टमर केयर नंबर डायल करके दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं जैसे ही कॉल कनेक्ट होगा यहां पर आपको वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन मिल जाएगा गूगल डीओ की मदद से, बट आपको कॉल रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा क्योंकि ये गूगल डायलर है। अब आपका जो सवाल रहेगा कि हम कॉल रिकॉर्डिंग कैसे करें, आप कर सकते हैं ट्रू कॉलर की मदद से। अब मैं आपको प्ले स्टोर पे ले चलता हूं और चेक करवा देता हूं कि क्या प्ले स्टोर सर्टिफाइड है कि नहीं। वैसे मैं आपको बता देता हूं पिक्सल एक्सपीरियंस रोम है, पिक्सल बेस्ड सभी रोम पे आपको प्ले स्टोर सर्टिफाइड ही मिलेगा। अब आप देख सकते हैं मैंने पिक्सल एक्सपीरियंस रोम के अंदर प्ले स्टोर को ओपन करके आपको दिखा दिया है। देख सकते हैं आप डिवाइस इज सर्टिफाइड, इसका मतलब आप अपने फोन पे कोई भी बैंकिंग ऐप चलाइए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई रूट करने का प्रॉब्लम भी नहीं फेस करना पड़ेगा, ना मैजिक मॉड्यूलर से कुछ हाइड वाइक करने की भी कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं आपको गूगल कैमरा ओपन करके दिखा देता हूं कि अच्छे से गूगल कैमरा इसमें काम कर रहा है। ये रहा हमारा जी कैम वर्सन 8.1। डायरेक्ट मैं वीडियो पे ले चलता हूं, स्लो मोशन आपके लिए काम नहीं करेगा। आप चाहें तो स्टेबलाइजेशन यूज कर सकते हैं। स्वाइप डाउन करके मैं दिखाऊं तो 4K 60 FPS में भी इस कैमरे को ले जा सकते हैं। 1x 2x का जूम मिलेगा, सेम कैमरा सेगमेंट में भी आपको 1x 2x मिल जाएगा। उसके बाद पोर्ट्रेट में आपको फेस ब्यूटी का भी सपोर्ट मिलेगा, 1x 2x मिलेगा। नाइट सेट के अंदर आपको एस्ट्रो फोटोग्राफी का भी सपोर्ट मिल जाएगा। तो ये जो जी कैम है एक्सीलेंटली पोर्ट वाला है, अच्छे से काम करता है, इवन आप टाइम लैप्स भी यूज कर सकते हैं। इसका डाउनलोड लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अब मैं आपको MIUI 13 का गैलरी ऐप में ले चलता हूं और दिखा देता हूं कि MIUI 13 गैलरी ऐप जो है पोर्ट वाला वो भी काफी अच्छे से काम कर रहा है,
पिक्सल एक्सपीरियंस एंड्रॉइड 12 के ऊपर। तो हम चलते हैं, यह हमारा गैलरी है, मैंने सैंपल के लिए एक फोटो ओपन कर लिया है। आप टैप करके दिखाऊं तो देखिए एडिट आ चुका है। एडिट भी मैं अगर आपको दिखा दूं मेनू, तो आपको पता ही चल जाएगा देखते ही कि इसमें आपको MIUI 13 का पूरा एडिटिंग फीचर्स मिल गया है। आप देख लीजिएगा पूरे एडिटिंग मेनू वगैरह आ चुके हैं। MIUI 13 से पोर्ट किया हुआ जितना भी ऐप है वो इस फोन पे आराम से चल जाएगा, जैसे कि मी कैलेंडर भी आपका चलेगा, मी कैलकुलेटर है, मी रिमोट है, मी गैलरी है, मी वीडियो है और शेयर मी है। तो MI से जुड़े हुए जितने प्री इंस्टॉल ऐप आपको मी फोन में मिलते हैं, इवन मोस्टली सभी एप्स आपको चल जाएंगे। इसके अलावा जितना भी पोर्ट ऐप आया है हमारे पिक्सल एक्सपीरियंस रोम के लिए वो अच्छे से काम करेगा। सभी इंपॉर्टेंट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, चाहे वो रोम का डाउनलोड लिंक हो या फिर आपको कैमरा का डाउनलोड लिंक हो, पोर्ट रोम का डाउनलोड लिंक हो, सभी चीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मेरे सभी सोशल प्लेटफॉर्म का भी लिंक आपको मिलेगा और वीडियो के आई बटन पे आपको रिकवरी का लिंक मिल जाएगा। तो इन सब लिंक्स को चेक करें, वीडियो पूरा देखें बिना स्किप और फॉरवर्ड के। अब हम अपने आगे रिव्यू पे चलते हैं। इस फोन में आपको 10 वॉट का ही चार्जिंग मिलने वाला है। मैं फिर भी आपके सेटिस्फेक्शन के लिए दिखा दूं, लेकिन मैं आपको कई बार बोल चुका हूं 10 वॉट से ज्यादा कभी नहीं मिलेगा, मतलब कभी नहीं मिलेगा। आप मान लीजिए इस फोन पे ये सवाल भूल जाइए, 12 4G वोल्टी और उसके बाद वाईफाई कॉलिंग और फास्ट चार्जिंग, ये तीन चीज भूल जाइए। अब मैं आपको चेक करवा देता हूं कि ये रोम बिल्कुल भी रूटेड नहीं है, आप आराम से सब वेरीफाइड ऐप चला सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। आप देख लीजिए, चेक करके मैंने दिखाया है, कोई भी रोम में ये रूट प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पिक्सल एक्सपीरियंस जो भी रोम आता है उसमें आपको कभी भी कर्नल ओवरक्लॉक नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं 2.02 गीगाहर्ट्ज़ पे ही हमारा प्रोसेसर काम कर रहा है, स्नैपड्रैगन 625 वाला। अब मैं आपको गूगल फोटोस ऐप में भी बता दूं कि इसमें आपको कोई अनलिमिटेड स्टोरेज नहीं मिलने वाला है। आप देख सकते हैं यहां पर आपको दिख रहा है, कहीं पर भी कोई भी अनलिमिटेड स्टोरेज नहीं मिलेगा। आपके आईडी पे जितना लिमिट रहेगा उतना ही आपको स्टोरेज मिलने वाला है। अब मैं आपको इस रोम के मेन सेटिंग्स पे ले चलता हूं और अपना रिव्यू स्टार्ट करते हैं। हम सेटिंग्स पे हम जाएंगे, इसके बाद अब आप देख सकते हैं हमें इस टाइप के मेनूज मिलते हैं। इस मेनू को मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसके में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पे प्लीज सब्सक्राइब करके कंटिन्यू रहें, लाइक शेयर करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियोस को देखें बिना स्किप और फॉरवर्ड के, सभी सोशल प्लेटफॉर्म पे फॉलो करें। चलिए अब सेटिंग्स पे चलते हैं। आप देख सकते हैं पिक्सल एक्सपीरियंस रोम ऑलरेडी काफी स्मूथ होता है, आपको कहीं भी लैगिनेस बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। और सेटिंग्स में मैं सबसे अच्छी इंटरेस्टिंग बात आपको बता देता हूं, आप देख सकते हैं यहां पर फिजिकल LED बटन का जो लाइट है वो अच्छे से काम कर रहा है। आप देख लीजिएगा लाइट जल रहा है यहां पर, मैं कुछ सेकंड रुक के भी दिखा देता हूं। बाय डिफॉल्ट 5 सेकंड का टाइम रहता है, देखिए लाइट बंद हो गया, अब मैं इसे टच करूंगा तो लाइट जल जाएगा। सबसे पहले आपको नेटवर्क और इंटरनेट के अंदर कोई कमाल का सेटिंग नहीं होता है, केवल एक ही सेटिंग होता है वाईफाई कॉलिंग, जिसे चालू करने का भी कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि हमारा फोन जो है स्नैपड्रैगन 625 उसमें वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट है ही नहीं, बट आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए चालू रख लीजिए। इसके अलावा आपको इस सेटिंग के अंदर कुछ भी चीज देखने को नहीं मिलेगा। कनेक्टेड डिवाइस की बात करें तो ब्लूटूथ काम कर रहा है, और इसके बाद एप्स की बात करें तो आपको डिफॉल्ट ऐप जो मिलेगा वो पिक्सल लॉन्चर ही देखने को मिल जाएगा और ये भी अच्छे से काम कर रहा है। इसके अलावा मैं आपको यहां पर दिखा दूं, देखिए मैंने माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चर और पोको लॉन्चर भी टेस्ट किया है, वो भी काम कर रहा है। अगर आप डिफॉल्ट लॉन्चर आपको पसंद नहीं आता है तो आप दूसरे लॉन्चर के मदद से भी अपने फोन को चला सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस करना नहीं पड़ेगा। इससे बाहर चलते हैं हम, और अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज पिक्सल एक्सपीरियंस में, जैसे कि एंड्रॉइड 12 के साथ इंट्रोड्यूस किया गया है गेमिंग सेटिंग यानी कि गेम डैशबोर्ड, और ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाहर निकला जाए यहां पर आपको कुछ नहीं है, असिस्टेंट भी काम कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप ध्यान दीजिए, आपके सभी ऐप अप टू डेट होने चाहिए। आप एक बार फोन को रिस्टार्ट वगैरह करके देख लीजिए, मेरे पे 1 अटेम्प्ट पे ही चल रहा है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया है। इससे बाहर चला जाए, नोटिफिकेशन पे 2 मेन सेटिंग होते हैं, एक बबल नोटिफिकेशन और इनहेंस नोटिफिकेशन, दोनों चीज अच्छे से काम कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इससे बाहर चलते हैं, बैटरी की बात करें तो बैटरी बैकअप एक्सीलेंट है, इतना बेस्ट बैटरी बैकअप आप देख सकते हैं, 53% बैटरी है और यहां पर आपको अभी भी दिखा रहा है 9 घंटा रिमेनिंग टाइम। तो बैटरी रिगार्डिंग आपको कोई भी टॉपिक नहीं आएगा, 8 घंटा स्क्रीन ऑन टाइम तक मुझे मिल जा रहा है। सिंगल सिम मैं यूज करता हूं और
मैक्सिमम मेरा वाईफाई पे कनेक्टेड रहता है, जीपीएस कम यूज करता हूं मैं, ना के बराबर जीपीएस मेरा बंद रहता है। इसके अलावा वाइब्रेशन मीडियम मोड पे सेटिंग रहता है, वॉल्यूम फुल पे रहता है, स्क्रीन का ब्राइटनेस 50% पे रहता है। तो ये सेटिंग्स के साथ मुझे 8 घंटा स्क्रीन ऑन टाइम और स्टैंड बाई टाइम की बात करें तो 1.5 दिन का स्क्रीन ऑन टाइम मिल रहा है। अब इसके साथ अगर आप प्रेशराइज करेंगे, डबल सिम, हाई वाइब्रेशन ऑन रखेंगे, 100% ब्राइटनेस रखेंगे, 99% मोबाइल डेटा यूज करेंगे और बहुत ज्यादा अगर आप सोशल इंथोस्टिक हैं तो आपके पास बहुत से मैसेज आते हैं, नोटिफिकेशन आते हैं तो आपके फोन का स्क्रीन का लाइट बहुत ज्यादा बंद चालू होता है, तो उन सब केसेस पे बैटरी बैकअप पे थोड़े से इफेक्ट देखने को मिलते हैं। आगे चलते हैं, बैटरी सेवर भी अच्छे से काम कर रहा है, एडाप्टिव प्रिफरेंस भी अच्छे से काम कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बैटरी परसेंटेज भी हम बात करें तो यहां पर बैटरी परसेंटेज शो हो रहा है, इस टाइप का कोई भी बग आपको देखने को नहीं मिलेगा। स्टोरेज पे अगर हम चलें तो स्टोरेज पे आप देख सकते हैं हमारा सिस्टम कंज्यूम किया है 8.5 GB, हम 9 GB इसे मान के चलते हैं। एक जी ऐप वाले रोम के लिए पिक्सल बेस्ड रोम में जिसमें सभी गूगल के गुडीज आपको देखने को मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग ये काफी अच्छा है, ज्यादा जगह नहीं लिया है, हम इसे ज्यादा जगह वाला रोम नहीं बोलेंगे, आप आराम से यूज कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको स्टोरेज रिगार्डिंग तो नहीं आएगा। अब आगे चलते हैं, साउंड्स एंड वाइब्रेशन के अंदर आपको 3 मेजर सेटिंग मिलने रहते हैं, जैसे कि मी साउंड इनहेंसर पहला, दूसरा है ऑडियो एम्पलीफिकेशन जिसकी मदद से आप माइक्रोफोन, हेडफोन और स्पीकर के वॉल्यूम को बूस्ट करते हैं, और तीसरा आपको मेजर सेटिंग मिलता है क्लियर स्पीकर का। तो चलिए हम चेक करते हैं, यहां पर आपको केवल एक ही सेटिंग मिल रहा है 3 में से, मी साउंड इनहेंसर, और ये अच्छे से काम कर रहा है। अब बात करते हैं ऑडियो एम्पलीफिकेशन का, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद बात करते हैं क्लियर स्पीकर, वो डेली यूज करने वाला चीज में गिनती नहीं आता है। आगे बढ़ा जाए, साउंड से बाहर निकल के डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं एडाप्टिव ब्राइटनेस काम कर रहा है। डार्क थीम मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूं, जब आप फोन को पहली बार बूट देंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट डार्क थीम ही मिलने वाला है। ये रहा डार्क थीम, क्यूब टाइल्स तो ऑलरेडी पहले से डार्क था, लेफ्ट साइड पे गूगल पेज डार्क हो चुका है, गूगल सर्च बार डार्क है, पूरा लॉन्चर डार्क हो गया है। इसके अलावा सेटिंग्स पे पूरे कंट्रोल पैनल मेनू पूरे डार्क हो चुका है। तो डिस्प्ले पे जाके हम सबसे पहले अपना डार्क थीम बंद कर देते हैं ताकि फोन का कैमरा अच्छे से फोकस्ड रहे और क्लियरिटी के साथ आपको वीडियो देखने में मजा आए। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीन ऑन टाइम काम कर रहा है, स्क्रीन सेवर, डिस्प्ले का साइज, फॉन्ट आप यहां से सेट कर सकते हैं, नाइट लाइट भी काम कर रहा है स्क्रीन सेवर के साथ, हाई टच सेंसिटिविटी का भी मेन्यू दिया गया है, काफी अच्छे से काम कर रहा है। कोविड पे आप हाथ में ग्लव्स पहने रहते हैं उसके साथ भी आप अच्छे से टच कर सकते हैं, तो ये फीचर काफी काम का है। टैप टू वेकअप वाला भी फीचर काम कर रहा है। इससे बाहर निकलते हैं, वॉलपेपर्स एंड स्टाइल्स की बात करें तो यहां पर आपको डेफिनेटली पिक्सल एक्सपीरियंस है, तो थीम बेस्ड आइकॉन देखने को मिलेगा और ये भी काम कर रहा है। मैं इसे यूज करता हूं, बट अगर आप यूज करते हैं कि नहीं ये आपके ऊपर चॉइस है। डिफरेंट वॉलपेपर का भी आपको चॉइस मिलेगा, बेसिक एसेंट कलर भी चेंज करने का आपको फैसिलिटी मिल जाएगा, और जैसे ही आप कलर चेंज करेंगे बहुत से जो भी गूगल रिलेटेड ऐप है वो उसमें आपको उस चीज के कलर इफेक्ट देखने को मिल जाएगा एसेंट के साथ। आगे बढ़ा जाए, एसेबिलिटी पे हम चलें, यहां पर आपको कॉल रिकॉर्डिंग, देखिए मैंने ट्रू कॉलर लोड किया है, अब आप यहां पर ट्रू कॉलर को परमिशन अगर दे देंगे तो आपको कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर्स मिल जाएगा। तो ये भी अच्छी बात है कि आप अगर गूगल डायलर पे कॉल रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो ट्रू कॉलर की मदद से आप कर सकते हैं। एसेबिलिटी में अदर चले तो एक्स्ट्रा डिम मैंने इनेबल करके रखा है, मैं इसे बंद करके भी दिखा देता हूं आपको, आप देख सकते हैं थोड़े से स्क्रीन में आपको चेंजेस देखने को मिल गया है। एक्स्ट्रा डिम उन यूजर्स के लिए काफी अच्छा है जिनको रात में फोन यूज करना रहता है और उनको नाइट लाइट पसंद नहीं है। किस कारण से? क्योंकि नाइट लाइट ऑन करने से फोन का डिस्प्ले येलो टिल्ट मैच कर चले जाता है, तो उन यूजर के लिए एक्स्ट्रा डिम फीचर अच्छे से काम कर रहा है। डार्क थीम, मैग्निफिकेशन सब काम कर रहा है। स्विच एक्सेस, सिस्टम कंट्रोल की बात करें, यहां पर आपको तीनों बटन वाला भी आपको देख सकते हैं, लाइट काम कर रहा है, जेस्चर भी आप इनेबल कर सकते हैं और दोनों चीज साइमल्टेनियसली काम करेगा, इवन जेस्चर भी और फिजिकल नेविगेशन बटन भी। पावर बटन टू एंड कॉल भी काम कर रहा है, वन हैंड मोड भी काम कर रहा है। इससे बाहर निकला जाए, वाइब्रेशन एंड हैप्टिक फीडबैक आप देख सकते हैं, ये सब भी वर्किंग है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लाइव कैप्शन, लाइव ट्रांसक्रिप्ट भी अच्छे से काम कर रहा है, नॉर्मल कैप्शन भी काम कर रहा है। लाइव ट्रांसक्रिप्ट का शॉर्टकट आपको यहां वॉल्यूम पैनल पे साइड पे ही मिल जाएगा डायरेक्ट ऑन ऑफ करने के लिए। साउंड एम्पलीफिकेशन की बात करें तो ये ऑटोमेटिकली आपके इन्वॉल्वमेंट को एडजस्ट करके, एडेप्ट करके
साउंड को थोड़ा सा एम्पलीफाई करता है, ये भी फीचर अच्छे से काम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, साउंड नोटिफिकेशन, ऑडियो एडजस्टमेंट, ये भी अच्छे से काम कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं है। सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी पे आपको बहुत सारे सेटिंग्स देखने को मिल जाएंगे, आप सभी सिक्योरिटी सेटिंग को इनेबल करके रखें अपने फोन के सेफ्टी के लिए। आप देख सकते हैं ऐप सिक्योरिटी, फाइंड डिवाइस, सिक्योरिटी पैच अपडेट, स्क्रीन लॉक, फिंगरप्रिंट लॉक, गूगल प्ले सिस्टम और एडवांस सिस्टम्स पे चले हैं तो आपको फोन का रोम बता दूं नॉट इनक्रिप्टेड है, ऐप पिनिंग का भी फैसिलिटी मिल जाएगा। तो इसमें आपको सिक्योरिटी रिगार्डिंग फुल सेटिंग्स दी गई है, कोई भी चीज को कटआउट नहीं किया गया है। प्राइवेसी में भी सब कुछ काम कर रहा है, लोकेशन में भी कुछ भी इशू नहीं है। सेफ्टी इमरजेंसी पे आप थोड़ी सी अपनी मेडिकल डिटेल्स पुटअप कर लीजिएगा, जैसे आपका ब्लड ग्रुप क्या है, आपको किस चीज से एलर्जी है, आपको कौन सा मेडिकल इशू है, जिससे इमरजेंसी केस पे कोई अननोन पर्सन आपकी आसानी से हेल्प कर पाएगा। पासवर्ड एंड अकाउंट्स की बात करें, इसमें भी सब कुछ वर्किंग है, सिंक्रोनाइज अच्छे से काम कर रहा है। डिजिटल वेलबींग की बात करें, वो भी अच्छे से काम कर रहा है। पर्सनली मैं इसे यूज नहीं करता हूं, बट आप चाहें तो इसे यूज कर सकते हैं, अच्छे से काम करेगा। इसके बाद गूगल्स में भी सब कुछ वर्किंग है। सिस्टम्स पे चले हम तो कीबोर्ड एंड इनपुट के अंदर आपको बाय डिफॉल्ट जीबोर्ड का एक्सेस मिलेगा, लाइव ट्रांसक्रिप्ट आपको यहां पर मिलेगा। इसके अंदर जाके आप ऐड लैंग्वेज और कर सकते हैं, जैसे कि आपको हिंदी या इंडियन और भी लैंग्वेज ऐड करने हैं, वो भी ट्रांसक्रिप्ट किया जाएगा। यहां से बाहर चलते हैं, जेस्चर पे क्यू कैमरा इनेबल वाला भी फंक्शन काम कर रहा है, बट मैं इसे यूज नहीं करता हूं। सिस्टम नेविगेशन जेस्चर मैंने बता दिया है, वन हैंड मोड भी बता दिया, रिंगिंग मोड भी काम कर रहा है, प्रेस एंड होल्ड असिस्टेंट वाला शॉर्टकट भी आप चाहें तो यूज कर सकते हैं, ये भी वर्किंग है। इससे बाहर चलते हैं और बटन्स की बात करें तो बटन्स में आपको ऑन स्क्रीन नेविगेशन बार मिल रहा है, बट मैं सजेस्ट करूंगा आप मत यूज कीजिए, बिकॉज आपके पास ऑलरेडी फिजिकल डेडिकेटेड बटन दिया गया है, उसे यूज कीजिए। आप यहां पर बटन की लाइट की सेटिंग कर सकते हैं जो 5 सेकंड पे है। इसके बाद बटन को शॉर्टकट भी कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे आप लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे, डबल टैप करेंगे तो आपको क्या क्या एक्शन मिलना चाहिए, होम बटन पे, रिसेंट बटन पे और बैक बटन पे, ये वाला सेटिंग आपको यहां पर मिल जा रहा है। एडवांस की बात करें तो यहां पर आपको डेवलपर ऑप्शन नहीं मिलेगा बाय डिफॉल्ट इनेबल, क्योंकि गूगल पिक्सल रोम है, आपके सेफ्टी के लिए ये चीज इनेबल करके नहीं दिया जाता है, बट आप चाहें तो इसे इनेबल कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली अबाउट पे जाना है, स्क्रॉल करके नीचे आना है और बिल्ड नंबर को 5 टाइम टैप्स करना है, तब आपका डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। तो डेवलपर ऑप्शन ऑन होने के बाद आप अपने जरूरत के हिसाब से जो भी सेटिंग्स ऑन ऑफ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने फोन के रिकवरी में बूट कर लेना है। बूट करने के बाद आप वाइप पे जाएं, फिर डेलवी, कैश, सिस्टम, डेटा और वेंडर, इन 5ों को सिलेक्ट करके स्वाइप कर दीजिएगा। इससे क्या हो जाएगा, आपके फोन पे जो भी कस्टम रोम लोड रहेगा वो पहले तो डिलीट हो जाएगा। अब आप होम बटन पे जाएं, फिर फाइल ब्राउजर पे जाएं और जहां पर भी आप अपना रोम को डाउनलोड करके रखते हैं वो लोकेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब मैं अपना रोम सेलेक्ट कर रहा हूं। रोम सेलेक्ट करने के बाद आपको कुछ ऐसा मेन्यू आएगा, सिंपली इसे स्वाइप कर देना है, इससे रोम इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूं, मैं लोड कर रहा हूं पिक्सल एक्सपीरियंस, ध्यान रखिएगा केवल पिक्सल एक्सपीरियंस है, प्लस वाला नहीं है, ये है एंड्रॉइड 12। इसमें आपको मिलेगा 5 जनवरी 2022 का सिक्योरिटी पैच रेडमी नोट 4 कोडनेम मिडो के लिए, और ये जो हमारे पास बिल्ड आया है 5 फरवरी 2022 का है, इसमें जीएप इंक्लूडेड रहता है, तो ध्यान रखिएगा आपको कोई भी जीएप अलग से फ्लैश नहीं करना पड़ेगा, ये फिलहाल अनऑफिशियल बीटा स्टेट पे है। अब आप देख सकते हैं हमारा रोम फ्लैश हो चुका है। इसके बाद आपको वाइप कैश को क्लिक करना है और सिंपली इसे स्वाइप कर देना है। स्वाइप करने के बाद अब आप यहां पर रिबूट टू सिस्टम को क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको 2 से लेकर 5 मिनट तक का समय लगेगा, इस दौरान आपको कुछ नहीं करना है, केवल वेट करना है। तो इस वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबाएं, नोटिफिकेशन आइकॉन क्लिक कर लें और मेरे सभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मुझे सभी सोशल प्लेटफॉर्म पे फॉलो करें, जैसे कि टेलीग्राम, रेडिट, ट्विटर, टम्बलर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, XDA, Pinterest, सभी जगहों पे मेरे पूरे वीडियो को देखें बिना स्किप और फॉरवर्ड के। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको सभी चीज के डाउनलोड लिंक मिलेंगे और वीडियो के आई बटन पे आपको रिकवरी और भी बहुत सारे प्लेलिस्ट, यूट्यूब चैनल्स के लिंक मिलेंगे। और मेरे सभी ऑल्टरनेटिव यूट्यूब चैनल्स को भी प्लीज सब्सक्राइब करें, उन सभी के डिटेल्स आपको मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन पे देखने को मिल जाएगा। चैनल्स पे, प्लेलिस्ट पे, ढेरों चीज मेरे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, आप जाके सभी चीज को चेकआउट करें। अब इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस पे हम मिलेंगे और तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।